नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट का जिसका शायद आप वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ। यह प्रोजेक्ट सिद्धार्थ विहार गाज़ियाबाद में लोकेटेड है, जो कि एक हॉट लोकेशन है गाज़ियाबाद की। यह प्रोजेक्ट अब तक के यहाँ पर मिल जितने भी प्रोजेक्ट हैं सबसे ऊंची बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, आइकॉनिक प्रोजेक्ट ऑफ दिस लोकेशन। यह सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट है, हाई क्लास जेंट्री होगी यहाँ पर, फुल्ली ऑटोमेटेड अपार्टमेंट होंगे यहाँ पर, और सबसे सस्ता है, नॉर्मल अपार्टमेंट्स के प्राइस से भी सस्ता रेट है, बावजूद इसके कि यह एक डिजिटल होम, फुल्ली डिजिटल प्रोजेक्ट है, फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट 3 एकड़ लैंड पर बन रहा है, जिसमें कि EWS के फ्लैट भी शामिल हैं, जिनकी बाउंड्री वॉल अलग होगी। टोटल 45 स्टोरी ऊंची बिल्डिंग होगी, जिसमें 42 स्टोरी तक अपार्टमेंट होंगे और उसके ऊपर क्लब, जिम और स्विमिंग पूल होंगे। एक फ्लोर पर 9 अपार्टमेंट होंगे और 8 लिफ्ट होंगी। डुप्लेक्स हाउस भी हैं इस प्रोजेक्ट में। टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट 357 हैं। बड़े और स्पेशियस फ्लैट्स हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों, ये आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ लिया कि हाँ, ये प्रोजेक्ट क्या है और कैसा है। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के प्रॉस पार्ट की, लेकिन अभी तक मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम नहीं बताया है, तो मैं इस प्रोजेक्ट का आपको नाम भी बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम है वास्तु होम्स। ये एनवायरन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है, जो कि सिद्धार्थ विहार में आ रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन जल्दी ही शुरू होगा। तो अब हम इस प्रोजेक्ट के प्रॉस पार्ट की बात करते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहला इसका अच्छाई, इसका खूबी क्या है? यह एक लग्जरी प्रोजेक्ट है, बड़े साइज हैं, 3-4 BHK और डुप्लेक्स हाउस हैं। हाई क्लास जेंट्री मेंटेन करने की कोशिश की गई है, ताकि छोटे फ्लैट ही इन्होंने नहीं बनाए, और 3 BHK का साइज भी बहुत बड़ा दिया है, जो कि यहाँ पर नॉर्मली इस लोकेशन में उस साइज के 4 BHK बना दिए गए हैं, वहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग की है। नेक्स्ट है दोस्तों, आइकॉनिक प्रोजेक्ट है ये। इस लोकेशन का सबसे ऊंचा प्रोजेक्ट है, 45 मंजिल ऊंची इमारत होगी इस प्रोजेक्ट की। तो सबसे ऊंचा, सबसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट होगा इस लोकेशन का वास्तु होम्स। नेक्स्ट है दोस्तों कि फुल्ली ऑटोमेटेड अपार्टमेंट है। इसका कंट्रोल आपकी पॉकेट में है, डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है ये, पूरी तरह से एप्लीकेशन बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है, सभी लग्जरी और टेक्नोलॉजी के साथ सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है। इस रेट में यहाँ पर नॉर्मल प्रोजेक्ट मिलते हैं, पर ये यहाँ पर डिजिटल होम दे रहे हैं, उससे भी सस्ते जो नॉर्मल अपार्टमेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये M80 ग्रेड की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, जो कि अभी तक किसी प्रोजेक्ट में ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, अमेनिटीज। इस प्रोजेक्ट में सभी अमेनिटीज होंगी, वो भी मॉडर्निटी के साथ में, बड़ा क्लब, बड़ा पूल, बड़ा जिम, इंडोर गेम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी के सभी चीज़ें लग्जरियस होंगी। नेक्स्ट है दोस्तों, सीलिंग हाइट। फ्लोर टू फ्लोर की हाइट जो होगी वो 11 फीट की होगी। मेन डोर जो इनका होगा अपार्टमेंट का, वो 9 फीट का होगा। तो जब हाइट ज़्यादा होती है तो थोड़ा अच्छे और वेंटिलेटेड फ्लैट वो माने जाते हैं। हालांकि इस चीज़ को अगर हम देखें कि 1-1 फीट इन्होंने अगर एक फ्लोर पे हाइट बढ़ा दी, तो अगर हम 40, 42, 45 मंजिल पे देखें, तो 40 मंजिल को भी देखें, तो 40 फीट हाइट बढ़ने का मतलब है 4 फ्लोर ये ऊपर बना सकते थे, 4 मंजिल फ्लैट और बन सकते थे, तो ये उससे कितना पैसा कमा सकते थे। तो इन्होंने उसको दरकिनार रख करके कोशिश की है कि अपने क्लाइंट्स को कुछ एक्स्ट्रा लग्जरी दिया जाए, जिसके लिए भले ही एक्स्ट्रा पैसे लिए जाएं, लेकिन अच्छी चीज़ दी जाए। हालांकि ये एक्स्ट्रा पैसे ले नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वाइड बालकनी, चौड़ी बालकनी।
बालकनी गार्डन का ये कंसेप्ट लेकर आए हैं। इतनी चौड़ी बालकनी कि आप गार्डन, योगा और बार के रूप में इनका यूज कर सकते हैं। इतनी चौड़ी बालकनी सिर्फ सोची तो होंगी, बट शायद कोई डेवलपर अभी तक ला नहीं पाया है। नेक्स्ट है दोस्तों, फुल्ली वास्तु कंप्लायंस। पूरी तरह से ये फ्लैट्स, इनके फ्लैट वास्तु कंप्लायंस होंगे। जैसा नाम से ही प्रोजेक्ट के लगता है कि वास्तु होम, वास्तु के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है, ताकि कोई भी फ्लैट प्रॉपर साउथ फेसिंग नहीं हो। थोड़ा बहुत तो, क्योंकि एक वो साइड है पूरी साउथ की, तो वो आनी ही आनी है, बट उसको मिनिमाइज करने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, ओपन स्पेस। प्रोजेक्ट में ओपन स्पेस अच्छा है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है ये फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सेमी फर्निश्ड होम। दोस्तों सेमी फर्निश्ड होम तो जैसे बिल्डर भूल ही गए हैं, अब सिर्फ दीवारें देते हैं। इन्होंने पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं और सेमी फर्निश्ड होम देंगे, ताकि आप सिर्फ अपना मूवेबल फर्नीचर लेकर के आएँ, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, फैन हो, एग्जॉस्ट फैन हो, एवरीथिंग, मॉड्यूलर किचन, चिमनी, कुछ भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मिलेगा आपको इस प्रोजेक्ट में, सिर्फ और सिर्फ आप अपना मूवेबल आइटम लेके आ जाइए, बस फिक्सचर एंड फिटिंग्स के नाम पर कुछ भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों लोकेशन। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत ही अच्छी है, ताज एक्सप्रेस वे से वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये प्रोजेक्ट, जो कि मेरठ वाला भी एक्सप्रेस वे आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन यही ताज एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करता है, तो मैंने इसको ताज एक्सप्रेस वे बोला है। और यहाँ से मेट्रो स्टेशन की, चाहे आप नोएडा के लिए चले जाएंगे सेक्टर 63 का जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी, या फिर गाजियाबाद बस अड्डे के पास जो मेट्रो स्टेशन है, दोनों की डिस्टेंस 2 से 3 किलोमीटर के आसपास में आएगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों ये आपने देखा इस वास्तु होम प्रोजेक्ट का प्रॉस पार्ट। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के कॉन्स पार्ट की। तो सबसे पहले इसका कॉन्स पार्ट जो है वो ये है कि एनवायरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट है, जिसके 2 डायरेक्टर्स हैं, एक हैं सरिता मित्तल और दूसरे हैं नवरंग कुमार मित्तल। इन दोनों ही डायरेक्टर्स को कंस्ट्रक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यह इनका पहला प्रोजेक्ट है। कंपनी 10 वर्ष पुरानी है। नवरंग जी 1992 से एज एन आर्किटेक्ट रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, और रियल एस्टेट में इन्होंने डॉक्टरेट किया है, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कंसल्टेंट भी किया है, इन्होंने कंसल्टेंसी सर्विसेज दी हैं। तो ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री से तो जुड़े हुए हैं और नॉलेज का भंडार हैं ये, आप ये कह सकते हैं, परंतु कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस नहीं है बस। नेक्स्ट है दोस्तों कंजेस्टेड प्रोजेक्ट। कहने को ये 3 एकड़ का प्रोजेक्ट है, परंतु उस 3 एकड़ के प्रोजेक्ट में इनका EWS के फ्लैट भी बनाने हैं। अब कितने पार्ट में क्या बनना है ये डिसाइड नहीं है, तो 3 एकड़ में ही ये बोला जाता है कि ये प्रोजेक्ट है, परंतु इसके साथ साथ EWS के फ्लैट भी इसी में इंक्लूड हैं इस टोटल लैंड पर। तो 3 एकड़ में लग्जरी टावर और EWS के फ्लैट्स हैं। EWS के फ्लैट की बाउंड्री वॉल अलग होगी, जो वास्तु होम को EWS से सेपरेट करेगी, तो ये नहीं है कि वो उसमें इंक्लूड हो, बाउंड्री वॉल रहेगी, अलग अलग रहेगा। धूप का इशू रहेगा इस प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का प्लॉट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। एक तरफ वेस्ट साइड में SG का प्रोजेक्ट है, साउथ साइड में अपेक्स का प्रोजेक्ट है, ईस्ट साइड में खाली प्लॉट है जहाँ कुछ भी आ सकता है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट की हाइट से ऊपर में धूप मिलेगी और नॉर्थ या रोड फेसिंग फ्लैट्स को धूप नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों डिले प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट 2017 में शुरू होना था, रेरा नंबर भी आ चुका था, तब लेआउट अलग थे, कंसेप्ट अलग था, पर शुरू नहीं हो पाया था ये। उस टाइम के रेरा के अकॉर्डिंग इनको 20/11/2023 में पोजीशन देना था। अब इन्होंने 2022 में इस प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट किया है, अलग कंसेप्ट के साथ जो रेरा में दिया है। अभी डेट भी एक्सटेंड होनी है इनकी रेरा में। तो पुराने रेरा के अकॉर्डिंग ये काफ़ी डिले शुरू किए हैं, तो डिले कह सकते हैं, पर वास्तविकता तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, कि आगे इनको कितना एक्सटेंशन मिलता है रेरा से, कि ये कब तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दें।
तो दोस्तों, ये आपने वास्तु होम्स का कौन सा पार्ट देखा। अब हम कंक्लूजन ऑफ द वीडियो की बात करें, तो अब हम अगर इस वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं तो फ्रेंड्स, चाहे वस्तु हो या इंसान हो, प्रोस एंड कॉन्स दो सभी में ही होते हैं। हमें देखना ये होता है कि किस में प्रोस ज़्यादा है और कॉन्स कम है, हम उसी को चुनते हैं। तो ये प्रोजेक्ट डेवलपर का पहला प्रोजेक्ट है, तो आशा ये करते हैं कि ये दिल से इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट में प्रॉस पार्ट ज़्यादा है और कॉन्स पार्ट कम है। चैलेंज आज की डेट में यही रहता है कि पोजीशन टाइम पर मिल जाए। अगर इस चैलेंज को पूरा कर लिया तो इससे बेहतर इतने कम प्राइस में इतनी बेहतर लोकेशन में और कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता है इतने फीचर्स के साथ। तो आप इस प्रोजेक्ट को अपना फ्यूचर होम या ड्रीम होम बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।